हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 8 वर्ड्स जो कि आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड ऐसेज में. एंड बिलीव मी, इफ़ यू यूज़ दीज वर्ड्स यू विल डेफिनेटली गेट 8 बैंस. द चांसेस आर वेरी हाई. अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होती है तो आप 8 बैंस आराम से ले सकते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट है, हमने उसमें ये देखना है कि ये एसेज के, ये जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के एसेज में यूज़ कर सकते हैं. एनी एसे विच इज़ बेस्ड ऑन लिटरेसी और एजुकेशन सिस्टम, या फिर कंपैरिजन एजुकेशन सिस्टम का और कंट्री डेवलपमेंट का, या फिर आपको ये बताना हो कि इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन मीन्स कि किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी टेक्निक का क्या इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों की एजुकेशन पे, या फिर बच्चे पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते हैं आजकल के. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा फर्स्ट वर्ड है फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब होता है ओल्ड या ग्रिजल्ड. अब यहाँ पे ओल्ड मीन्स ओल्ड एज वाला ओल्ड, नहीं पुराना वाला ओल्ड. ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, विच इज़ द फॉर्मर सिलेबस इज़ चेंज्ड, मीन्स पुराना सिलेबस चेंज हो गया है. ओके, सो जहाँ पे आपको ओल्ड सिलेबस बोलना हो या ओल्ड टेक्निक बोलना हो, वहाँ पे आप फॉर्मर या फॉर्मर सिलेबस या फॉर्मर टेक्निक बोल सकते हो. सेकेंड वर्ड इज़ मैंडेटरी. मैंडेटरी, आप ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. मैंडेटरी और कंपल्सरी आप यूज़ भी करते होगे. इसका एक और सिनोनिम होता है विच इज़ ऑब्लिगेटरी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आयल्स एजुकेशन के उसमें के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयल्स एजुकेशन ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बहुत बार ये चीज़ बोलनी पड़ती है दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ मैंडेटरी, एजुकेशन इज़ कंपल्सरी. सो आपको जहाँ बोलना है कि भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बार बार मैंडेटरी या कंपल्सरी वर्ड बोलोगे तो वो नहीं आएगा, राइट. सो आप यहाँ पे 3 वर्ड्स आपके पास ऑलरेडी हैं विच आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ हाई वोकैब वर्ड्स फॉर कंपल फॉर आयल्स एजुकेशन ऐसे, विच इज़ मैंडेटरी, कंपल्सरी एंड ऑब्लिगेटरी. सेंटेंस इज मेड, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम नाउ, मीन्स अब एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है. ओके, कंपल्शन है. नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर. गाइस, पीयर प्रेशर क्या होता है? सोशल प्रेशर, या फिर जब हम एक ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब जब लोग भीड़ चाल करने लग जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग. सो वो ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो ग्रुप कर रहा है वही मैं करूँगा, या फिर हमें सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें वो चीज़ करनी ही पड़ती है. ठीक है, लाइक सम टाइम्स स्टूडेंट चूज थीम्स इन पीयर प्रेशर. कई बार बच्चे पढ़ना तो म्यूज़िक चाहते होते हैं या आर्ट पढ़ना चाहते हैं, बट सोशल प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके वो कॉमर्स, साइंस ऐसी थीम्स चुन लेते हैं अपनी एजुकेशन की, राइट. सो पीयर प्रेशर मींस सोशल प्रेशर. नेक्स्ट इज़ इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव का मतलब होता है when you are curious or you are inquiring for everything. Like आप जब भी कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हो या कुछ नया स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो. आप क्वेश्चन पूछते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे हो रहा है. ठीक है, इन योर आइल्स ऑल्सो कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा मटीरियल बेटर है, राइट. सो आप क्यूरियस हो. सो एजुकेशन इज़ ओनली यूजफुल वेन इट कैन हैंडल द इनक्यूजिविटिविटी. सो इनक्यूजिटिव का मतलब क्यूरियस. एजुकेशन तभी यूजफुल है अगर वो आपकी क्यूरियोसिटी को हैंडल कर सकती है, आपको सारी क्यूरियोसिटी के जवाब दे सकती है. नेक्स्ट इज सुपरसीडेड. सुपरसीडेड का मतलब होता है रिप्लेस्ड या चेंज्ड. कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना या चेंज करना, जैसे कि फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि देर आर टू ऑफिशियल्स विच आर सुपरसीडिंग द टायर. ओके, सो सेंटेंस है टीचर्स नीड टू सुपरसीड देयर वे ऑफ एजुकेशन. टीचर्स को अपने तरीके को, अपने पढ़ाने के तरीकों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड.
प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये दो अप्रोचेज होती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये दोनों वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपको एजुकेशन कंपैरिजन आ जाए, राइट, या आपको एजुकेशन और कंट्री डेवलपमेंट की बात आ जाए। ओके, सो क्या होता है प्रोसेस ओरिएंटेड? प्रोसेस ओरिएंटेड इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ड्रिवन स्टडी, या आप इसको प्रैक्टिकल स्टडी भी बोल सकते हो। ओके, सो इसका सेंटेंस है, वी नीड प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, हमें प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। सेकेंड वन इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड इज़ व्हेन समथिंग इज़ प्रोडक्ट ड्रिवन और थ्योरी बेस्ड। अब आप फोटो में देख रहे हो बेचारा बच्चा सिर पकड़ के बैठा है, ठीक है, कि प्रोडक्ट बेस्ड एजुकेशन जो होती है वो इतनी प्रेफरेबल नहीं होती। ओके, बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। सो दीज टू वर्ड्स स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ आपको कंपैरिजन करना है पास्ट स्टडी में और प्रेजेंट स्टडी में, या आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि हम ये कर सकते हैं, राइट, कि हम प्रोडक्ट बेस को छोड़कर प्रोसेस बेस में जाएं। हम प्रोडक्ट बेस कैसे हैं, हम हमारा प्रोडक्ट है एग्ज़ाम, हम सिर्फ उसी की तैयारी करते रहते हैं, बुक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहते हैं, और प्रैक्टिकल हमें कई बार नहीं आता है, कई बार क्या, मोस्टली हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट बेस एंड प्रोसेस बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ सम कॉमनली यूज वर्ड्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस लर्निंग, जिसको आप कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी बोलते हो। सेकेंड इज़ रिसर्च, रिसर्च मीन्स जब आप कुछ खोज करते हो, कुछ नया फाइंड करते हो, कुछ नया फाइंड करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनालिसिस। इवेल्यूएट का मतलब होता है एग्जामिन करना या असेस करना, मार्क्स असेस, इट्स असेसमेंट वाला असेस। ओके, सो किसी को मार्क्स देना या किसी को उसके बताना कि वो किस स्टेज पे खड़ा है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम इज़ बेसिकली यूज फॉर सिलेबस। ओके, सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस एसे, डू राइट इट एंड ट्राई टू यूज़ द वर्ड्स विच वी हैव जस्ट रेड, और प्लीज़ यूज़ कीजिएगा उस हिसाब से लिखिएगा। गाइस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़, आई हैव पर्सनली सॉ दिस एसे, एंड उस इन वर्ड्स की वजह से दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली गॉट गुड बैंड्स। सो डू ट्राई दिस एसे एट होम, और अगर आपने मुझे आपने ऐसे लिख के मुझसे चेक करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पूरा लिंक दे दूंगी आपको, या पूरी डिटेल्स दे दूंगी, जिससे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या यू कैन हैव अ वन टू वन टॉक ऑल्सो। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, उससे मुझे और इनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू।